स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। आज सो इन दिनों हॉट केक बना हुआ है, ज्यादातर नेताओं की पहली पसंद आजसू बनी हुई है। आज भी जेएमएम और बीजेपी से चार नेताओं ने आजसू का दामन थाम लिया है। अभी मौसम है और इस मौसम में नेताओं के घर बदलने का सिलसिला बदस्तूर जारी। आजसू में एक बार फिर मिलन समारोह का आयोजन किया गया और आजसू का कुनबा मजबूत करने की कोशिश की गई। जेएमएम से वर्षा गाड़ी, जेएमएम से अल्पसंख्यकों का चेहरा रहे चुन्नू खान, पूर्व विधायक और बीजेपी से ताल्लुकात रखने वाले विष्णु भैया और साथ ही बोकारो से राजेंद्र नाथ महतो ने आजसू का दामन थाम लिया। कि मैंने दोनों घरों को देखा और बहुत नजदीक से देखा, लेकिन जो जिस घर पे एक अपना परिवेश बनता है, ये परिवेश और ये माहौल मैं उस घर पे बना नहीं पाई। जेएमएम से आजसू का दामन थामने वाले चुन्नू खान अल्पसंख्यक चेहरा माने जाते हैं। इससे पहले चुन्नू खान को डिप्टी मेयर के चुनाव में 50,000 से ज्यादा वोट मिले थे। ये भी जेएमएम से रांची सीट से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखते थे, पर जेएमएम ने महुआ माझी पर दांव खेल दिया और हालात बदलने की वजह से फिर बहुत सारी चेंजेस आती है। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोगों ने तो सोचा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा स्थायी घर रहेगा, परंतु चुनाव जीतने के तुरंत बाद हम लोगों को एक तरह से इग्नोर किया जाने लगा, वो अनदेखी होने लगी। तो सवाल था, मेरा अपना का सवाल नहीं था, मेरा सवाल था कि मैं जिस 52,000 लोगों का मत लेके आया था, उसको अपने विधानसभा में या अपने क्षेत्र में निकल के क्या जवाब देता। आजसू में आने वालों का मेला देखकर सुदेश महतो भी उत्साहित नजर आ रहे। आजसू सुप्रीमो ने कहा कि आजसू के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। एक ऐसे समय में आप सभी का समावेश हो रहा है जब पूरे झारखंड की राजनीति करवट ले रही है। झारखंड के लोग पुनर्विचार के लिए आज खुद को तैयार कर रहे हैं। झारखंड उदय के उद्देश्यों पर आप सभी लोगों ने बल दिया, उसी को मंजिल देने की हमारी राजनीतिक कोशिश अब तेज हो रही है। चुनावी दौरे में भले ही आजसू का कुनबा बढ़ रहा, आजसू नेताओं की पहली पसंद ही क्यों न बनी, पर हर किसी को खुश कर पाना आजसू के लिए कितना आसान होगा या मुश्किल, इसके लिए इंतजार करना होगा। अमिता, न्यूज 11 भारत, रांची। तो आजसू का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और आजसू में पिछले दिनों घाटशिला से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचू ने भी आजसू का दामन थामा था और आजसू के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ेंगे। हम उनके पास विमलेंदु के पास चलेंगे जो घाटशिला से हमारे पास जुड़े हुए हैं। विमलेंदु उनके पास अपना रुख करेंगे। विमलेंदु, किस तरह की फाइट और किस तरह के बदलाव घाटशिला में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता दूसरे पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले हैं। बिल्कुल शरीफ जी, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं झारखंड के कोल्हान परमंडल के घाटशिला इलाके में हूं, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में हूं। अगर मैं कहूं कि बदलाव और दल बदल का जो एपिसेंटर है वो पूरा कोल्हान बना हुआ है तो गलत नहीं होगा। उसमें भी जो घाटशिला है बहुत प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है, जो दल बदल और बदलाव का एक प्रमुख, हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अगर मैं बात करूँ लक्ष्मण टूडू की बात करूं या मैं प्रदीप बालमुचू की बात करूं, तो मैं पहले बीजेपी पे आऊंगा। किस तरीके से जो सिटिंग विधायक लक्ष्मण टूडू रहे हैं, उनका टिकट काट कर यहां से लखन मार्डी को टिकट दिया गया। साथ ही साथ जो रामदास सोरेन है, जो पिछली बार भी शिकस्त खाए थे, इस बार फिर से जेएमएम ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से। अगर मैं बात करूँ बड़ा चेहरा, कांग्रेस का बड़ा चेहरा रह चुके प्रदीप बालमुचू, इस बार आजसू का दामन थाम चुके हैं और यहाँ से घाटशिला से किस्मत आजमा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो ये घाटशिला विधानसभा क्षेत्र है, पूरे कोल्हान परमंडल में जो 14 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें सबसे दिलचस्प लड़ाई है घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में। कुछ मुद्दों की मैं बात करूंगा। अभी आज दिन में मैं पोटका विधानसभा क्षेत्र में था, तो कह सकते हैं वहाँ जिस तरीके से यूरेनियम की खदान है, माइंस है, साथ ही जो गोल्ड माइंस है। इसके अलावा अगर हम घाटशिला की बात करें तो यहाँ कॉपर माइंस जो बंद हो चुका था, उसमें से एक खदान खुला है, जिससे लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, जो रोजगार के अवसर हैं वो बढ़ेंगे और साथ ही जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, यहाँ पे आम लोगों के रोजगार भी बढ़ेंगे। तो कह सकते हैं जो तमाम मुद्दे हैं घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में हावी रहेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ यहाँ से हमारे कन्हाई हेम्ब्रम है, स्थानीय संवाददाता है, इनसे भी हम बात करेंगे। कन्हाई, आप क्या देखते हैं, समीकरण किस तरीके से यहाँ बदलने वाला है? देखिए, यहाँ का समीकरण जो अभी हाल ही का है वो त्रिकोणीय या चौकोना भी हो सकता है,
क्योंकि यहाँ का अहम मुद्दा जो है स्थानीयता है कि यहाँ के लोकल लोगों को एक बार चांस दिया जाए। हमेशा से वो बाहर के लोग यहाँ का विधायक रह चुके हैं और अभी भी जो पिछला विधायक जो भी था वो भी बाहर की ही है, लेकिन इस बार का मुद्दा रहे लखन मार्टी तो स्थानीय है। हाँ, उनको देखा जा रहा था स्थानीय में, स्थानीय को तो लोग जो बात बोल रहे हैं वही बात बोल रहा हूँ कि स्थानीय को देखेंगे लोग यहाँ के इस बार विधायक। शरीफ साहब देखिए, मैं आपको बता दूं, जो लखन मार्टी है अनुसूचित जनजाति के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है सिटिंग लक्ष्मण टूडू का टिकट काट कर। लेकिन सबसे दिलचस्प जो बात है, जो जिस तरीके से प्रदीप बालमुचू ने दामन थामा है आंसू का, तो उससे जो पूरा मुकाबला है यहाँ पे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में पूरे कुल्हान परमंडल में बड़ा ही दिलचस्प बन गया। हम आपके पास लौटेंगे। आप जिन लोगों से बात करना चाह रहे हैं उनसे आप बात कीजिएगा, मगर हमारे सहयोगी अभी अजय लाल हमारे साथ जुड़े हैं चाईबासा से, पहले उनका रुख करते हैं। अजय जी, जिस तरह से आप लगातार एक्टिव हैं, आप चकदरपुर में थे फिर चाईबासा, उस पूरे इलाके का आप भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह से झारखंड की सियासत को उन इलाकों में आप देख रहे हैं, क्या मुद्दों पर आधारित, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था पहले शुरुआती दौर में कि केंद्र के जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, तो क्या वो मुद्दे हावी रहेंगे या फिर जो झारखंड से जुड़े मुद्दे हैं वो हावी रहेंगे, और आजसू और बीजेपी में जो दूरी आई है, तल्खियां आई हैं, उसका प्रभाव क्या चुनाव में पड़ेगा, आप जिस क्षेत्र में हैं वहां? देखिए सारी, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो कहां कहां होता है और कितने चरण में होता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह का दौरा भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि अन्य दल के नेता है क्या रोल, वो क्या मॉडल अपनाते हैं इन बड़े दो बड़े नेताओं के चुनाव प्रचार के दौरान। जाहिर सी बात है, जब अमित शाह की रैली होगी झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान और प्रधानमंत्री की जब रैली होगी, तो जाहिर सी बात है कई तरह के मुद्दे चुनाव प्रचार में उछलेंगे। मसलन 370 का मामला उठ सकता है, उसके बाद अयोध्या में जिस प्रकार से राम मंदिर का फैसला आया उसका भी चर्चा हो सकता है, और इसकी वानगी पिछले दिनों मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चकदरपुर में अपनी सभा में दिखाया। उन्होंने सीधे कहा था लोगों से, जो नॉमिनेशन में लक्ष्मण गिलुआ के नॉमिनेशन में जो भीड़ आई थी उससे मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि कई तरह के जो मामले लटके हुए थे अब एक देश एक संविधान, यानी कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की चर्चा की थी। उसके बाद कहा कि अब अयोध्या में राम मंदिर का भी बनने का रास्ता साफ हो गया, तो मतलब साफ है कि लोकल मुद्दे बेशक झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन कई जगहों पर ये मुद्दों को दबाने की कोशिश होगी और इसमें भाजपा को महारत हासिल है कि किस प्रकार से चुनावी फिजा को बदलना है। अभी तो शुरुआती दौर है सारिफ, जैसे जैसे चुनावी प्रचार पूरे सरगर्मी पर होगा यकीन मानिए नल नाली सड़क पानी के मुद्दे कहीं ना कहीं, मुझे इस बात का ये शक है कि ये मुद्दे ज्यादा हवा हो जाएंगे और जिन मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी वे मुद्दे आगे हो जाएंगे सारिफ। अजय, चकदरपुर भी आप गए थे लगातार, आपने वहां पर भी रिपोर्टिंग की, आपने एनालाइज किया होगा चकदरपुर की फाइट, स्पेसिफाई करके अगर बात करें तो किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए वो प्रतिष्ठा वाली सीट है, प्रदेश अध्यक्ष वहां से चुनावी मैदान में है, लोकसभा चुनाव वो हार चुके हैं, विधानसभा चुनाव में उन्हें पार्टी ने उन पर भरोसा करके चकदरपुर से टिकट दिया है, शशिभूषण सामंत वहां से बागी हो गए हैं, दल बदल कर लिया उन्होंने, तमाम तरह की हलचल देखने को मिल रही चकदरपुर सीट पर, मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो प्रतिष्ठा की सीट होगी, किस रूप में आप तैयारी देख रहे हैं, किस रूप में जनता का मिजाज है, क्या कुछ चल रहा है उस सीट पर? देखिए चक्रधरपुर चाईबासा ये पूरा का पूरा इलाके में पिछले 3-4 दिनों से मूवमेंट कर रहा हूँ। चाईबासा में हमने पाया कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं जेबी तुबीद, उनके बारे में लोगों की धारणा यह है कि वो लोगों से मिलते नहीं हैं और कई कभी किसी का काम पड़ता है तो उनसे मिलने में बहुत परेशानी होती है, वो अक्सर रांची में होते हैं। कुछ ऐसी ही परिस्थिति चकधरपुर विधानसभा में भी मैं देखने को जो लक्ष्मण गिरुआ यहाँ से सांसद थे चाईबासा से, तो लोगों का ये कहना था कि वो लोगों से धीरे धीरे दूर हो गए। दूसरी तरफ देखेंगे जो अन्य दल के प्रत्याशी हैं, शशिभूषण सामंत के बारे में चकधरपुर की जनता ये कहती है कि वो बड़े सपने लोगों को नहीं दिखाते,
लोगों के छोटे छोटे जरूरतें होते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति है जानता है कि क्षेत्र के एमएलए की कितनी बाध्यता है, क्या लिमिटेशन है, लिहाजा लोग भी बहुत बड़े सपनों को साकार करने की उम्मीद नहीं करते। ये चाहते हैं कि आप इलाके के विधायक हैं तो किसी के घर में एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो आप एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दें, ईश्वर न कैसे किसी की मौत हो जाती है तो उसकी उसके लिए जो शमशान घाट तक डेड बॉडी को ले जाने की जरूरत पड़ती है उसकी व्यवस्था कर दें। अस्पताल में यदि किसी को मरीज के को किसी डॉक्टर ने बंधक बना लिया तो वो बंधक कैसे बना, इलाज के पैसे आप जमा कर दें। ये छोटी छोटी चीजें जनता अपने विधायक से उम्मीद रखती है सारी। और इस मायने में मैंने देखा था कि शशि भूषण सामर की चर्चा इस चक्रवर्ती विधानसभा में ज्यादा हो रही है अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले, और ये सारी चीजें लक्ष्मण गिलुआ के खिलाफ जाती है। और दूसरी बात यह भी होता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, जब चाईबासा से संसदीय चुनाव हुआ था तो आप यहाँ के सांसद के चुनाव में भी प्रत्याशी थे, जब विधानसभा का चुनाव होने लगा उसमें भी आप प्रत्याशी हो गए, भारतीय जनता पार्टी के आप राष्ट्रीय नेता हैं, अध्यक्ष भी आप ही बन गए। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता जो कार्यकर्ता है, जो आपकी सभाओं में टेंट लगाता है, दरी बिछाता है, कुर्सी लगाता है, उसकी बारी कब आएगी? और ये सारा साग को सब कुछ लक्ष्मण गिलुआ के लिए साइड इफेक्ट का काम करेगा चकधरपुर में। और चाईबासा की बात करें तो वहाँ के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के जेबी तुबीद, उनके बारे में भी लोगों की धारणा मैंने देखा कि ठीक नहीं है। लोग ये तक कहते सुने गए कि उनसे मिलना समझे कि एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है। तो ये तमाम चीजें हैं प्रत्याशियों के खिलाफ जाएगा सारी। जी सही तौर पर आज जो जनता है वो चाहती है कि उनका जो भी जनप्रतिनिधि रहे उनके उनके लिए अवेलेबल रहे, हर वक्त उनके पास मौजूद रहे, जब वो चाहे, जब वो समस्या में रहे, जब वो किसी तकलीफ में रहे, वो जनप्रतिनिधि जिनको जो जनप्रतिनिधि बना है जनता के वोट के सहारे वो वहाँ पर मौजूद रहे। और ये अगर भावना रख रही है जनता, ये चाहत रख रही, तो ये कहीं से भी गलत नहीं आ जाए। अजय, जिस तरह से चाईबासा का इलाका है, चकदरपुर का, कई अगर ये कहा जाए कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पूरे तौर से अगर कहा जाए कि विकास अभी पहुँचा नहीं, और कह तो ऐसे इलाके हैं हालांकि वो नक्सलियों के चंगुल से मुक्त हुए हैं, तो वहां तो अभी धीरे धीरे विकास पहुंचना शुरू हुआ है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोगों ने अभी तक विकास क्या होता है ये देखा तक नहीं है, बाबा आदम के जमाने से लग रहा है कि उसी दौर में वो जी रहे हैं। क्या ये मुद्दे हावी रहेंगे? रोजगार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, मानव तस्करी का मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे, अशिक्षा का मुद्दा है, बहुत सारी ऐसी खबरें उस इलाके से आती हैं कि डाइन बिसाई के नाम पर हत्याएं कर दी जा रही है, महिलाओं की, बुजुर्गों को पीटा जा रहा है, तो ये सब अशिक्षा को दर्शाता है। तो क्या ये सब मुद्दे, तमाम मुद्दे हावी रहेंगे? क्योंकि लोकसभा में ये सब मुद्दे, तमाम मुद्दे गौन नजर आए थे। कि सारे पूरे चाईबासा इलाके की बात करें तो रघुवर दास सरकार की तारीफ करनी होगी कि आप किसी भी गांव में चले जाएं, कम से कम वहां आज की तारीख में बिजली पहुंचा दी गई है। उसी प्रकार से चकधरपुर के इलाके की बात करें तो कई गांव ऐसे थे जहां पर कि आज से 2014 तक बिजली नहीं पहुंची थी। इस मामले में देखिए, यदि सरकार ने काम किया है बेहतर काम तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए, इसमें किसी को गलत नहीं कहा जा सकता। चाईबासा के तमाम गांव में हमने देखा कि जिस गांव में सड़कें तक नहीं जाने के लिए बनी थी वहां तक आप अपनी कार से जा सकते हैं। तमाम गांव में बिजली है, बिजली ही नहीं पहुंची है, बल्कि बिजली के बल्ब भी जलते हुए हमने देखा। पंचायत भवन बने हैं, कई ऐसे सरकारी भवन थे जो कि जर्जर थे, उसको रघुवर दास की सरकार ने बनाया है। ये तारीफ वाली बात है, इसमें किसी को शक नहीं, और लोग इसकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर देखेंगे, चाईबासा में टाटा कॉलेज है, 3,500 छात्राएं वहां पढ़ती हैं, लेकिन शिक्षक के नाम पर वहां पे मात्र 11 शिक्षक है। 1980 में उसी टाटा कॉलेज में 90 प्रोफेसर हुआ करते थे, यानी कि 90, और उसके बाद ये धीरे धीरे घटते घटते संख्या 11 तक पहुंच गई। तो जाहिर सी बात है, कई छात्र छात्राओं ने ऐसे हैं जिन्होंने जूलॉजी ऑनर्स में ले रखा है, मैथ ऑनर्स में ले रखा है, लेकिन आज तक अपने प्रोफेसर का चेहरा तक नहीं देखा कि जूलॉजी वाले शिक्षक दिखते कैसे हैं, मैथ वाले प्रोफेसर साहब दिखते कैसे हैं। तो ये कमी है। और दूसरी बात, जो तमाम मुद्दे हैं, जैसा कि चाईबासा में जाने के बाद हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, इसको रोका जाना चाहिए। कैसे रुकेगा?
देखिए किसी की भी सरकार बने, कोई भी विधायक बने, लेकिन ये तमाम मुद्दे लोगों को दुखी करता है कि पलायन बड़ी संख्या में, अब जैसे ही सुबह होगी आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में मजदूर बसों की छत से लद कर लौट रहे होते हैं वापस। इसकी वजह यह है कि यदि मजदूरी मिल गई तो वो लोग किराए देकर आने में सक्षम होते हैं, यदि मजदूरी नहीं मिली, काम नहीं मिला, तो 10 रुपया 5 रुपया देकर बस ड्राइवर को वो छत पे आ जाते हैं। तो ये तमाम बड़ी चीज़ें हैं। देखिए सरकार ने काम किया है जहाँ उसकी तारीफ करने में कोई हर्ज नहीं, कोई परेशानी नहीं, किया भी जाना चाहिए, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोल्हान को अब भी परेशान कर रहा है। और इनमें सबसे अहम है शारिफ कि यहाँ से बड़ी संख्या में पलायन, और उसके बाद चकधरपुर के इलाके की बात करें तो कई ऐसे गांव है शारिफ जहाँ पर कि मैं जब कल गया था तो देखिए कि पूरा गांव का गांव अवैध शराब, जिसको देसी शराब बोलते हैं, वो बनाने में लगा हुआ है, और इस प्रकार से लगा हुआ है जैसे कुटीर उद्योग है। बजाबता एक गांव का नाम ही लोगों ने मटका महतो गांव डाल दी, नाम डाल दिया, यानी कि किसी भी घर में चले जाए वहां पे अवैध शराब का निर्माण हो रहा है। तो जब ऐसी चीजें होंगी तो चाह कर भी सरकार जो चाहती है, पार्टियां जो चाहती है, विधायक जो चाहते हैं, वो इन चीज़ों से निजात किसी को नहीं दिला पाते। तो जाहिर सी बात है चुनाव है, और देखिए अब चुनाव में कोई विचारधारा रही नहीं, जैसा कि आप बोले थे कि आजसू कैसे पहली पसंद बन गई, आजसू पहली पसंद इसलिए बन गई कि लोगों को अब विधायक बन रहा है, विचारधारा जैसी कोई चीज अब नहीं रहा। राधा कृष्ण किशोर जैसा शख्स भारतीय जनता पार्टी से उछल कर आजसू में चले जाते हैं, उसके बाद से प्रदीप बलमुचू जैसा पुराना कांग्रेसी व्यक्ति टिकट नहीं मिला, कांग्रेस छोड़कर आजसू में चले जाते हैं। ये कोई पसंद नापसंद की बात नहीं है, एक ही विचारधारा है कि जहां से टिकट मिल जाए, जहां से विधायक बन जाए, हम विधानसभा में चले जाएं। विचारधारा की बात करना आज की तारीख में पूरी तरह से बेमानी है। एक ही विचारधारा है सारी कि विधायक कौन पार्टी बनाता है, कौन नेता बनाता है। कांग्रेस टिकट देती प्रदीप बलमुचू को, कांग्रेस अच्छा लगता। भाजपा यदि राधा कृष्ण किशोर को टिकट देती तो भाजपा को राधा कृष्ण किशोर अच्छा लगता। उसी प्रकार से यहाँ पे शशिभूषण सामंत को यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी टिकट देती तो शशिभूषण सामंत को हेमंत सोरेन प्यारे लगते, अभी उनको बाबूलाल मरांडी प्यारे लगते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि विचारधारा की तिलांजलि बहुत पहले ही, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि आज की जो सियासत है उसमें विचारधारा और आंदोलन नाम की चीज देखने को नहीं मिली है। तमाम जो कार्यकर्ता नेता है उनका एक ही सूत्री कार्यक्रम है कि उन्हें टिकट चाहिए, और टिकट नहीं मिलता है तो फिर दूसरी विचारधारा अपनाने में उन्हें एक सेकंड का भी समय नहीं लगता है। काफी महत्वपूर्ण बात है अजय, हम आपके पास लौटेंगे इस महत्वपूर्ण चर्चा में। हमारे सहयोगी विमलेंदु भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमलेंदु, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे घाटशिला सीट पर जो दिलचस्प मुकाबला इस बार होने वाला है, कांग्रेस के कद्दावर वहां से नेता भी मौजूद है, और अभी अजय से भी जो बात हो रही थी, अजय ने काफी महत्वपूर्ण बात कही है कि जिस तरह से लोग दल बदल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने की चाहत लिए हुए, तो आप जहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप जिस सीट की जानकारी दे रहे हैं, वहां भी वही देखने को मिला है। कद्दावर नेता जिनको पूरा सम्मान कांग्रेस पार्टी में मिला है, सांसद तक उन्हें बनाया गया, राज्यसभा सांसद तक, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया, मगर टिकट नहीं मिला तो उन्होंने विचारधारा ही बदल दी। किस रूप में वहां की जनता इस पूरे मुद्दे को देखती है, क्या ये मुद्दा भी हावी रहेगा जनता के दिलो दिमाग में? शरीफ जी आपने एकदम सही बोला, जिस तरीके से प्रदीप बालमुचू राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और इस बार टिकट नहीं मिलने की वजह से आंसू का दामन उन्होंने थामा है और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से आंसू के उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमा रहे हैं। तो कह सकते हैं जो कुल दल बदल का जो पूरा खेल चल रहा है पूरे झारखंड में, कोल्हान की बात करें उससे घाटशिला जो विधानसभा क्षेत्र है ये भी अछूता नहीं है। तो तमाम जो आज मैं कोल्हान के तमाम क्षेत्रों में रहा हूँ, पुटका में और घाटशिला इलाके में भी, इस मुद्दे पे भी तमाम लोगों से बातचीत हुई है। हाँ, ये जरूर रहा है कि जो जिस तरीके से प्रदीप बालमुचू ने पाला बदला है उससे कुछ लोग खफा भी हैं, लेकिन जहाँ तक स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई, स्थानीय आवाम से हमारी बातचीत हुई, तो कहीं ना कहीं प्रदीप बालमुचू का व्यवहार जो है या व्यवहार कुशल है या जो लगातार लोगों से उनका जो संपर्क रहा है, तो लोग प्रदीप बालमुचू के व्यक्तिगत स्तर पे उनकी तारीफ करते ही हमें मिले। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आंसू का दामन थामा है तो कह सकते हैं कि यहाँ लड़ाई कुछ भी मतलब दिलचस्प है, और किसी भी गेंद जो है किसी भी पाले में जा सकता है, चूंकि घाटशिला बहुत हाई प्रोफाइल सीट बन चुका है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी है, नेतागण भी है, कुछ पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम जानते हैं आपकी नजरों में क्या लगता है
बालमुचू साहब ने जो पाला बदला है, इक्वेशन क्या बनेगा? जो कांग्रेस का नहीं हुआ वो घाटशिला का क्या होगा? कांग्रेस ने उसको क्या नहीं दिया? कैमरे की तरफ देख के बताएंगे, तमाम दर्शक देखेंगे। कांग्रेस ने उसको क्या नहीं दिया? 3 बार विधायक, 1 बार राज्यसभा सांसद और जो प्रदेश के मुखिया तक में उनको दिया। जो अब इस मुकाम पे अगर वो पार्टी बदलते हैं तो झारखंड मतलब घाटशिला का विधानसभा को क्या करेंगे? कुछ लोग और भी हैं शरीफ जी, उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है इस बार का जो विधानसभा यहाँ पे इलेक्शन है, क्या लग रहा है यहाँ पे जिस तरीके से पाला बदल का खेल चल रहा है, या मतलब जो प्रदीप बालमुचू की बात करें या लक्ष्मण टुडू का टिकट काटा गया, क्या लग रहा है? इक्वेशन क्या देख रहे हैं, समीकरण किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए यहाँ का जो मुद्दा है, टीकाराम मांझी के बाद जो CPI के MLA होते थे उसके बाद जो भी विधायक बना कोई बुनियादी काम नहीं किया है, क्या लगता है आपकी नजरों में क्या है? मेरा नजरों में प्रदीप कुमार बालमुचू जी 15 साल में कुछ काम नहीं किया घाटशिला के लिए। अगर काम किया होगा तो 5 किसान का नाम बता दे जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया, कुछ काम नहीं किया घाटशिला। शरीफ जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे क्षेत्र में जो एजुकेशन का मामला है, हेल्थ का मामला है, पानी का मामला है, बहुत अहम है। लेकिन खास तौर पे जिस तरीके से माइंस का क्षेत्र है, जिस तरीके से यूरेनियम माइंस का क्षेत्र है, पुटका विधानसभा क्षेत्र, गोल्ड माइंस है, यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ ये कॉपर माइंस का क्षेत्र है, यहाँ पे जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वो है फैक्ट्री है, जो तमाम खदानें हैं, जो कॉपर्स की जो खदानें हैं, लगभग तमाम खदानें बंद हैं। हाँ, एक खदान को चालू किया गया है जिसकी वजह से रोजगार बढ़ा है, लेकिन वो अपर्याप्त है। ज़्यादा संख्या में यहाँ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। पलायन एक बड़ी समस्या है जिससे आम लोग जूझ भी रहे हैं, और निश्चित रूप से सिर्फ घाटशिला नहीं, अगर पूरे कोल्हान की हम बात करें तो ये एक प्रमुख मुद्दा होगा। शरीफ जी, जाहिर तौर पर मुद्दे कई हैं विमलेंदु, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि लगातार जो पाला बदल का दौर बदस्तूर जारी है, क्या आप जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनसे ये जानने और समझने की कोशिश कीजिए कि तमाम जो मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, वो तो हावी रहेंगे, रोजगार का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, झारखंड में एक नई समस्या पेयजल की भी आ रही है, वो मुद्दे हैं। क्या जनता इस रूप में सोचती है कि जो चुनाव के वक्त जो नेता है वो दल बदल अगर कर रहे हैं तो उनके एम्बिशन को दिखाता है कि हाईली एम्बिशियस है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना उनकी प्राथमिकता में शामिल है, वो जनता के साथ क्या खड़े रहेंगे, क्या ऐसे सवाल वहां पर उठ रहे हैं? बिल्कुल शरीफ जी, ये सवाल उठ रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको बता भी दूं कि जिस तरीके से प्रदीप बालमुचू का तो मामला है ही, या जो रामदास सोरेन JMM ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है, पिछली बार हार चुके हैं थे लक्ष्मण टुडू से, जिसका भाजपा ने यहाँ से टिकट काटा, उनके जगह लखन मार्डी को टिकट दिया। लखन मार्डी स्थानीय हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ रामदास सोरेन की या लखन मार्डी की या प्रदीप बालमुचू की, तो जो दल बदल का खेल है, पाला बदल का खेल है, वो यहाँ पे चर्चा के केंद्र बिंदु में, चर्चा के एपी सेंटर में हमेशा से है, और लगातार ये जब तक इलेक्शन चुनाव रहेगा चलता ही रहेगा। कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं क्या लग रहा है जो दल बदल पाला बदल जो चल रहा है, और खासतौर पर जो घाटशिला में हुआ है उसको किस नजरिए से देखते हैं, जो बुनियादी चीजें हैं वो क्या पीछे छूट रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बुनियादी चीज बहुत सारी पिछले 10 वर्षों में घाटशिला में विकास का कार्य ठप पड़ा हुआ है। ये जनता के दिमाग में है कि इस बार प्रदीप जैसे बालमुचू जैसे लोगों को राष्ट्रीय पार्टी ने जो टिकट नहीं दिया, जिसके चलते जनता में, वर्करों में आक्रोश है, और लोग चाहते हैं कि विकास पुरुष के नाम से बालमुचू जी जाने जाते हैं इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र के लिए लगातार 30 वर्षों से उन्होंने शरीफ जी, इनकी बातों को मैं थोड़ा सा पूरा करता हूँ। जो एक सहानुभूति की बात करें, वो कहीं ना कहीं प्रदीप बालमुचू के साथ है, क्षेत्र की आवाम की जनता के साथ भी हमारी बातचीत हुई है, तो उन्हें लगता था कि प्रदीप बालमुचू को टिकट मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनुभूति जो है। इधर 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 से भी आवाज आ रही है, एक सवाल लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं जी? मैं पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं, जनता का एक रिपोर्ट लीजिए, नेता लोग का बात जी बताइए बताइए बताइए। प्रदीप बालमुचू जो है वो किसी पार्टी के नेता नहीं है, है ना, वो जन प्रतिनिधि है, ठीक है, वो जनता के लिए काम करते हैं, ना कि किसी पार्टी व्यक्ति के लिए, जन प्रतिनिधि है। विमलेंदु, समय की कमी है, आपको रोकेंगे और फिर हम जब आप
हम आपको यहां रोकेंगे, हम चलेंगे अजय लाल के पास जो हमारे साथ जुड़े हुए। जी अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, समय की कमी है, संक्षेप में कहिएगा। पूरे कोल्हान में न्यूज 11 की काफी प्रसिद्धि है, तमाम लोग, जैसे ही मैं आपसे बात करने की कोशिश, कुछ लोग हमारे साथ आए। सर, ये जो दल बदल हो रहा है, इस दल से उस दल, उस दल से उस दल, ये विचारधारा है या टिकट की चाहत है? सब विधायक बनने की चाह रख रहे हैं। हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो राष्ट्र नहीं होकर के अस्थाई होना चाहिए। आपके पीछे देखिए ओवर ब्रिज 1.5 साल बनने में हो गया है, लेकिन अभी तक लाइट की सुविधा नहीं है। अभी मतलब आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता है, जिससे हम लोग को, आम पब्लिक को, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो भी विधायक बने वो राष्ट्र स्तर के ना करके क्षेत्र में, हमारे चगदापुर में जो कि ओवर ब्रिज में लाइट बहुत ही जरूरी है, और एक जो एक्सप्रेस गाड़ी सबको रेगुलर चालू रहता है, जो पैसेंजर गाड़ी को अभी कुछ दिन से, एक महीना से हमारा सरंडा जंगल ये सब बंद था, उसके बारे कोई भी प्रतिनिधि कुछ नहीं किए। तमाम चीजें हैं सारी पूरे कोल्हान में। जिजाई तौर पर अजय, हमारे पास समय की कमी है अजय, हम आपको, आपसे यहीं पर विदा लेंगे। आपका बेहद शुक्रिया अजय, आप लगातार इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहे। विमलेंदु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में लगातार हमारे साथ बने रहे। तो आज के झारखंड के जनादेश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज 11 भारत।